तो फाइनली बहुत सारा वेट करने के बाद सीयूईटी 2022 का जो फॉर्म है वो आ चुका है, और इस फॉर्म को कैसे फिल करना है मैं ये कंप्लीट गाइड देने वाला हूं आपको इस वीडियो में, बहुत ध्यान से देखेगा। सबसे पहले आपको जाना है cuet.samarth.ac.in, यहां पर जाकर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंचेंगे भैया इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी आपको ये सारी ज्ञान की बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको जाना है सबसे नीचे लेफ्ट में आपको दिखेगा करियर एक्टिविटी के नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। नाउ हम थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो बिफोर फिलिंग द फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहला तो जो फोटो है वो 10 से 200 केबी के बीच होना चाहिए उसका साइज, और जो आपका सिग्नेचर है उसकी साइज होनी चाहिए 4 to 30 KB। नाउ जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है 10th, 11th, 12th की जो मार्कशीट है एंड साथ ही जो अगेन PWD सर्टिफिकेट है वो 50 से 300 केबी के बीच होना चाहिए, उसकी साइज जो है इतनी होनी चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अभी अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो slot 1 slot 2 दोनों के लिए जनरल कैटेगरी के लिए फीस जो है 650 रुपए है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 600 और 550 रुपए फीस लगेंगे। इसके अलावा अगर आप नीचे बढ़ते हैं, पासवर्ड जो है 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, एक अपर केस आएगा एक लोअर केस आएगा, 1 numeric value एंड 1 special character जो है वो आपको यहाँ पे पुट करना है, तो आपका जो पासवर्ड है इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। नाउ यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड, चलो भैया शुरू करते हैं, इस पर आप राइट टिक कर दीजिए क्लिक। तो ये जो फॉर्म है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये मेरे सामने आ चुका है, अभी इस फॉर्म को मैं फिल करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहां पर आपको अपना जो वैलिड आईडी कार्ड है वो चूज करना है, कुछ भी हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, स्कूल आईडी प्रूफ हो सकता है, आपका जो वोटर आईडी है वो हो सकता है, तो यहां पर आपको कुछ भी एक जो क्लिक है वो करना पड़ेगा, तो इसका आपको स्पेशल ध्यान रखने का है। मैं कर देता हूं अपना स्कूल आईडी कार्ड, चलिए। फिर यहां पे आपको जो उसका वैलिड आईडी नंबर है वो आपको डालना है। नाउ आपका जो एड्रेस है वो भी आपको यहां पे पुट करना पड़ेगा, आपका जो करंट एड्रेस है वो आपको यहां पे डालने का है। क्लिक इफ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, अगर कुछ अलग है तो फिर वो आप वो भी यहां पे पुट कर सकते हैं। नाउ जो मेरा पासवर्ड है वो मैं यहां पे पुट करूंगा। अभी सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आप कुछ भी यहां पे क्लिक कर सकते हैं, उसका आंसर जो है वो यहां पे डालने का है। चलिए सिक्योरिटी पिन जो ये दिख रहा है आपको, ये आपको सिक्योरिटी पिन में डालना है, अगर आप चाहें इस पर तो अगेन क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं, तो जो आप चाहे फिर वो आप यहां पे पुट कर सकते हैं। चलिए जो फॉर्म है वो हम फिल कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा भर चुके हैं। चलिए अभी आपको सारी जो चेकलिस्ट है वेरीफाई करनी है, आपने अपना नाम डाल दिया है, फादर्स नेम, ईमेल एड्रेस, आपका प्रेजेंट एड्रेस, ये सारा आपको क्लिक करना है, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस पर भी आपको क्लिक करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी इसमें पुट कर दिया, डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। अभी एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो OTP आपको यहाँ पे पुट करना होगा। चलिए OTP आ चुका है, OTP डालने के बाद अगेन ये टेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे पुट करना होगा। अभी जो आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस है वो आपके मोबाइल फोन पर भी नंबर पर भी आ चुका है, ये सारी सारी इन्फॉर्मेशन कि क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे आ चुकी है। नाउ अब आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद जो आपने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पुट करी थी वो सारी के सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ चुकी है, अभी हम शुरू करेंगे यहां से। सेव पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो यहां पे फिल हो चुकी है। नाउ ये पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, आपको इसको देखने का है पूरा, एक बार ही चेक करने का है, अगर आप वापस अपडेट करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट कर सकते हैं, वरना प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपका जो 10th class की डिटेल्स है वो आपको यहां पर पुट करनी है, रिजल्ट 10th का पास कर देंगे हम यहाँ पे, पासिंग ईयर कौन सा है, कौन से ईयर में आपने जो 10th class है वो पास करी थी वो आपको यहाँ पे लिखने का है, क्वालिफाइंग एग्जाम 10th इक्विवेलेंट पे क्लिक करना है आपको, प्लेस ऑफ द स्कूलिंग अर्बन में थी, टाइप ऑफ द स्कूलिंग, स्कूलिंग का टाइप क्या है, गवर्नमेंट स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, जो भी है आपको वो यहाँ पे क्लिक करने का है। इसके बाद में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, ऑब्वियस बात है भैया हम इंडिया से एग्जाम देते हैं, इंडिया में क्लिक करेंगे,
स्टेट कौन सा था, जो भी आपका स्टेट था जहां पर भी आपने एग्जाम दिया वो आपको यहाँ पे पुट करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, जिस शहर में आपने एग्जाम दिया वो आपको यहाँ पे पुट करना है। बोर्ड का नेम क्या था, बोर्ड का जो नाम है वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। स्टेट स्कूल का क्या नाम था, स्कूल का जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। स्कूल कॉलेज का जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पे लिख देना है। आई थिंक ये जरूरी नहीं है बट आप फिर भी यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं। फिर आपको जो अपने रोल नंबर है वो यहाँ पे लिखने हैं। रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज था, ग्रेड था, ये भी आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अभी पूछा भैया मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन कितने थे, मैक्सिमम कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको यहाँ पे पुट करना है। तो मैक्सिमम मार्क्स में मैं 100 मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन थे, ठीक है। तो ये अगर आप क्लिक कर देंगे इसके बाद में आपके सामने कुछ और डिटेल आएगी। यार भैया 12th और इक्विवेलेंट, तो अगर आपने 12th पास कर लिया है तो पास पर क्लिक करना है, अगर अपीयरिंग है तो अपीयरिंग पे आपको क्लिक करना है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम पे क्लिक करेंगे, अगेन प्लेस ऑफ स्कूलिंग कौन सी है, अर्बन है, टाइप ऑफ स्कूलिंग कौन सी है, गवर्नमेंट स्कूल है, जो भी आपकी स्कूल है वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। एग्जामिनेशन कंट्री ऑब्वियसली इंडिया है। स्टेट कौन सा भैया, स्टेट है हमारा राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट है हमारा, जो भी हमारे पुट कर देंगे। बोर्ड का नेम क्या था आपका, वो आपको यहाँ पे डालना है। अगेन 12th क्लास के लिए इन्फॉर्मेशन आपको पुट करनी है। स्कूल आपकी कौन सी, स्कूल का जो भी नाम है वो आप नाम यहाँ पे डाल देंगे। स्कूल कॉलेज का पिन कोड क्या है, वो पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है। आपका रोल नंबर क्या है, वो रोल नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है। अगर आप 12th अपीयरिंग है तो भी एग्जाम दे सकते हैं। नाउ आप सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद जो एजुकेशनल डिटेल्स है वो हमने फिल कर दी है। अभी बढ़ेंगे हम तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप यहां से आगे आ जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ अपडेट करना है, आपने कुछ गलती कर दी है फॉर्म में, तो वो आप यहां पर अगेन पहुंचकर फिल कर सकते हैं। प्रोसीड नेक्स्ट सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, अभी यहां से जितने भी कॉलेज हैं आप मैक्सिमम 27 के 27 कॉलेज जो है चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप एग्जाम देने वाले हैं। तो भैया मैं तो सबसे पहले चूज करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी को। प्रोग्राम कौन सा है, आप किस प्रोग्राम में जो अंडर ग्रेजुएट है वो होना चाहते हैं, तो वो प्रोग्राम आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। सपोज अगर आप इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपने भैया ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद में उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई है। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप बढ़ेंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन में। फर्स्ट स्लॉट में एक लैंग्वेज होगी, दो डोमेन सब्जेक्ट होंगे, एक जनरल टेस्ट होगा, और सेकंड स्लॉट में सेक्शन 1+B 2 इफ द सब्जेक्ट्स आर लेस देन 4, अगर 4 से कम सब्जेक्ट्स हैं तो, और मैक्सिमम सब्जेक्ट होंगे सेक्शन 2 में 4। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। अभी यहाँ पे लैंग्वेज करने का अपने को, अपन तो भैया हिंदी कर देते हैं यहाँ पे, बाकी जो भी आप चाहें वो लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। अब ये कह रहा है कि डू यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द जनरल टेस्ट, अगर आप जनरल टेस्ट देना चाहते हैं तो हाँ, नहीं देना चाहते हैं तो नो, तो वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सेलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर द सेकंड स्लॉट, सेकंड स्लॉट के लिए जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से बताता हूँ भैया। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे अगेन यहाँ पे, तो लैंग्वेज हम इंग्लिश चूज कर लेते हैं, जो भी लैंग्वेज आप चाहें यहाँ पे चूज कर सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 12th जो है कॉमर्स से की बट स्टिल आप अगर साइंस में अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं तो आप 3 सब्जेक्ट साइंस के भी चूज कर सकते हैं, तो इसका आपको स्पेशल ध्यान रखना है फॉर्म भरते वक्त। मैं यहाँ से जाकर सब्जेक्ट चूज करूंगा, तो ये भी हमने फॉर्म फिल कर दिया। नाउ टेस्ट पेपर की जो डिटेल है वो सारी आपको यहाँ पे चेक करनी है। अगर कुछ और आपको अपडेट करना है तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन फिर पुट करनी है। आप अपडेट टेस्ट पेपर में जाकर वो इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं, नहीं करनी है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। चलिए अभी आ गए हम एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल पे। क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको क्या रखना है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सेंटर, सिटी प्रेफरेंस, सिटी जो भी आपने स्टेट चूज किया था उसके अकॉर्डिंग आपको सिटी मिलेगी, और आपको 4 अलग अलग सेंटर जो है प्रेफरेंस के हिसाब से सेट करने होंगे। तो आप जिस भी स्टेट से हैं, जो स्टेट आप चूज करते हैं जहां पर आप एग्जाम देने वाले हैं, उसी स्टेट के 4 अलग अलग जो सिटी प्रेफरेंस है सेंटर के लिए, एग्जाम सेंटर के लिए, वो आपको चूज करने होंगे, तो इसका आपको स्पेशल ध्यान रखना है। ये पुट करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद हम पहुंच गए हैं भैया 6th सेक्शन पे, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो यहां पर अपलोड करना है। सबसे पहले आपका फोटोग्राफ, फोटो पर जाकर आपको अपना जो फोटो है वो अपलोड करना है। उसके बाद आप सिग्नेचर अपना अपलोड करेंगे। अच्छा, 10th की जो मार्कशीट है वो आपके पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, इसका आपको स्पेशल ध्यान रखना है। तो ये पूरा जो फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा, आपको सारी डिटेल जो है चेक करनी है। अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके वो वापस डिटेल अपडेट कर सकते हैं। तो फाइनली जो फॉर्म है वो हमारा अपलोड होने वाला है। फोटोज आपकी, इसके अलावा जो सिग्नेचर, साथ ही जो इक्विवेलेंट मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। नाउ
ये हमको दिखा रहा भैया कि स्लॉट वन के लिए 650 रुपए फीस है, स्लॉट टू के लिए भी 650 फीस है, तो टोटल अमाउंट टू बी पेड इज 1300। यानी अगर आप स्लॉट टू भी देते हैं तो आपको 1300 रुपए फीस जो है वो देनी होगी स्लॉट वन और स्लॉट टू की मिलाकर। उसका अगेन आपको यहाँ पर्टिकुलर में जाके सारी इन्फॉर्मेशन जो है वेरीफाइड करनी है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी पुट कर दी है। यहाँ पे फटाफट हम क्लिक कर देंगे इस पर। कंफर्म करने के बाद ये जो टेक्स्ट हमको दिख रहा है वो हम यहाँ पे वापस टाइप कर देंगे। तो अभी एक वेरिफिकेशन कोड जो है वो हमको मिला होगा। तो जो मेरा वेरिफिकेशन कोड है वो मेरे पास आ चुका है नाउ। वो कोड मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। चलिए अभी हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे वेरीफाई। तो अभी जो हमारा फॉर्म है वो फिल हो चुका है। कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप फाइनल पेमेंट से पहले इसको एडिट कर सकते हैं। वन बाय वन आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। सारी सारी जो डिटेल है वो आपसे पूछ रहा है अगेन ये वापस रीचेक करने के लिए, तो आपको खड़ाखट से चेक करके क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट्स भी हमने अपलोड कर दिए हैं, इस पर भी हम क्लिक कर देते हैं फटाफट से। चलिए तो ये कंप्लीट हमारा एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो है CUET 2022 का। नाउ प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है। तो टोटल जो 1300 रुपए फीस है वो लग रही है। वाई? क्योंकि मैंने स्लॉट टू में भी लैंग्वेज और जो कोर्सेज हैं वो सेलेक्ट किए हैं। तो अगर आप सिर्फ स्लॉट वन में ही कोर्स भरते हैं तो आपको महज 650 रुपए फीस देनी होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं तो मुझे साइंस में भी ट्राई करना चाहिए, तो उसके लिए आप स्लॉट टू में जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट कर सकते हैं। तो स्लॉट वन और स्लॉट टू दोनों की मिलाकर जो टोटल फीस है वो होगी 1300 रुपए फॉर जनरल कैटेगरी। तो यहां पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सामने बैंक के ऑप्शन दिखेंगे। आप चाहे तो SBI से, कैनरा बैंक से, ICICI या फिर पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं। पे नाउ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर ये आपको पेटीएम आपके नंबर के लिए पूछ लेगा। यहां पर आपको प्रोसीड करना है और प्रोसीड करने के बाद जो आपका फॉर्म है वो फाइनली फिल हो जाएगा। तो ये जो पूरा तरीका था, इस तरीके से आप जो CUET 2022 का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई थी, जो फोटोग्राफ है आपकी, स्कैन फोटो, आपका स्कैन साइन जो है वो दोनों ही JPG में होना चाहिए। लेकिन जो मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट है, वो आपका PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो ये था कंप्लीट गाइड CUET 2022 का फॉर्म फिल करने का। For more information about CUET 2022, stay connected, keep watching Prep Guru.